Hello everyone, welcome to Nehal's Creativity. Hope you all are doing well. आज है फ्राइडे और अभी शाम हो गई है, तो मैं अभी एक्चुअली बाहर से ही आई हूँ. तो आज अनवित का वैक्सीनेशन था तो वही कराया, और फिर मॉरिसन से भी मुझे आज वेजिटेबल्स लेनी थी तो वही शॉपिंग किया और फिर घर पे आई हूँ. तो अभी सामान ही खाली करके बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो कैमरा ऑन करती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी थैंक यू, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें. तो आप लोगों ने मेरा रिक्वेस्ट माना और मेरी वीडियो को लाइक भी किया, तो जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो आप ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और मैं और अच्छा कुछ करने के लिए बहुत ही प्रेरित रहूँगी. तो बस अभी आज के वीडियो में एक्चुअली आप कुछ चेंज देख रहे होंगे मुझ में. हाँ, आज मैंने एक्चुअली अपने हेयर कर्ल्स किए हैं, वो भी ऑन डिमांड, क्योंकि क्या हुआ, बहुत दिन से मुझे सौरभ बोल रहे थे कि तुम्हारा एक ही हेयर स्टाइल देख देख के बहुत ज़्यादा मतलब बोर सा लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा क्या, तुम हमेशा ऐसे पोनी बना के घूमते रहती हो. मैंने कहा कि हाँ, बात तो सही है कि मैं मतलब हेयर कट कराती हूँ लेकिन तब भी पोनी बना के रखती हूँ, तो उसमें भी मतलब पता नहीं चलता है. तो कुछ तो चेंज मतलब होना चाहिए. तो वही सोच रही थी कई दिन से कि क्या चेंज होना चाहिए, क्योंकि मेरे हेयर थोड़ा सा वेवी हैं और मतलब काफ़ी कुछ स्ट्रेट भी लगते ही हैं. तो जब कहीं बाहर जाती हूँ तो वही ऑप्शन बचता है अपना, मतलब ये फ्लैट आयरन से अपना आयरन कर लेती हूँ, लेकिन कुछ और समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या चेंज होना चाहिए. तो कल मूवी देख रहे थे संजू, और उसमें आई अनुष्का शर्मा, तो अनुष्का शर्मा के जो हेयर थे वो एकदम चॉप स्टिक कर्ल थे, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मिल गया हेयर स्टाइल और कल मैं ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई करूँगी कि मेरे फेस पे कैसा लगता है. तो जैसे ही सौरभ ऑफिस गए और रणवीत अपना नर्सरी गया, तो उसके बाद मैंने अपना शावर लिया और आज मैं लग गई काम पे. तो मैंने ये चॉपस्टिक हेयर कर्ल किए थे, तो सुबह तो बेसिकली एकदम चॉपस्टिक थे, लेकिन अभी शाम आते आते थोड़ा सा मतलब ओपन हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मतलब कर्ल हैं. और आप लोग मतलब बताना कि आप लोगों को मतलब कैसे लगे मेरे फेस पे. पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह से मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और ऐसे मतलब अपने अंदर चेंज देख के आज मतलब अच्छा लग रहा था. जब भी शीशे के सामने जा रही हूँ तो बस ऐसे 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 मतलब कर रही हूँ, तो बहुत टाइम बाद ऐसे मतलब स्टाइल मारने में अच्छा लग रहा था. तो बाकी तो सौरभ शाम को आके बताएंगे कि कैसा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल आज का. तो बाकी सौरभ को कैसा भी लगे, मुझे तो अच्छा लग रहा है और अपने आप को अच्छा फील हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो बस अभी मैं जाऊँगी डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए, और अनवित आज काफ़ी नॉइजी है तो पीछे से मतलब शोर मचा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट. और आ गया अभी मेरे पास. तो हाँ, शाम के जो सॉरी आज जो डिनर है, डिनर में स्पेशल है मोमोज और नूडल्स, क्योंकि मोमोज में जो सब्जियां डलेंगी वही सेम सब्जियां चाउमीन में भी मतलब डलेंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज दोनों यही बना लेती हूँ और उसी का भी प्रिपरेशन करने के लिए जाऊँगी. क्योंकि जब चाइनीज़ बनता है तो काफ़ी ज़्यादा चॉपिंग रहती है, तो हालांकि मतलब मेरे पास फूड प्रोसेसर है लेकिन फिर भी काफ़ी चॉपिंग ऐसी रहती है जो मतलब हाथ से करनी पड़ती है. तो अभी वो शुरू करूँगी और आपको दिखाऊँगी अपनी आज की छोटी सी शॉपिंग जो मैंने मॉरिसन से की है. वेजिटेबल से लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर करूँगी. तो अभी वही करने के लिए जा रही हूँ और टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू करती हूँ. क्यों अनवित, लेट्स गो. Let's go. Ready? Steady? तो ये है मेरी आज की वेजिटेबल्स शॉपिंग. तो वेजिटेबल्स तो सब वही है, अनियन लेके आई हूँ, कैरेट लेके आई हूँ, तो कैरेट मैं ऑर्गेनिक यूज करती हूँ तो वो लेके आई हूँ.
तो ये बेसिकली मैं अगर इंडियन कुछ करती हूँ जैसे गाजर का हलवा, उसमें नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि इनका जो हलवा है वो इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर मुझे हलवा बनाना रहता है तो फिर मैं इंडियन स्टोर से लेती हूँ और वो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव आती है लेकिन अच्छी वही लगती हैं गाजर के हलवे में, ये उतना अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन ऑर्गेनिक के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी वेराइटी आती है कैरेट की, तो लेकिन मैं ये वाली कैरेट्स यूज़ करती हूँ और ये क्योंकि थोड़ा सा स्वीट होती हैं। और लेमन्स लेके आई हूँ, टोमेटोज, कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज़ लेके आई हूँ। तो इस बार बहुत कम ग्रीन चिली मिली हैं, तो बेसिकली 75 पेंस में सिर्फ 50 ग्राम ही ग्रीन चिली मिली है मुझे, तो इस बार एक्सपेंसिव थी। मशरूम्स लेके आई हूँ, डार्क सोया सॉस लेके आई हूँ, कॉलीफ्लावर लेके आई हूँ और कैबेज लेके आई हूँ और ये बार्स के पैकेट लेके आई हूँ, तो सौरभ के ऑफिस में रख के देने के लिए भी मुझे लगते हैं और अपने बैग में भी रखती हूँ, अगर भूख लगे तो खा लेती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे काफ़ी लगते हैं ये वाले जो बार्स हैं और इसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं, हम लोग अलग अलग ट्राई करते हैं। तो बस मैं अभी करूँगी इन सब की चॉपिंग शुरू। तो अभी मेरी चॉपिंग और पीलिंग सब हो गई है। तो ये वाली वेजिटेबल्स मैंने मोमोज के लिए की हैं, तो इनको मैं अभी फूड प्रोसेसर में ही चॉप करने वाली हूँ। तो अभी जितनी भी मेरी चॉपिंग है वो सब डन हो गई है, तो मैं अभी मोमोज की तैयारी कर रही हूँ। तो मोमोज आज मैं बनाने वाली हूँ ओट के मोमोज, तो उसके लिए मैंने ओट भी ग्राइंड कर लिए हैं। तो वेजिटेबल्स मैंने चॉप की हैं ओट इसके लिए मोमोज के लिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इन वेजिटेबल्स को ऐसे सॉल्ट डाल के ऐसे भी फिल कर देते हैं मोमोज में, लेकिन मुझे ये जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ा सा सोते करके तब अच्छी लगती है क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब टेस्ट अच्छा देती है, वरना अगर मैं ऐसे फिल करके बनाती तो थोड़ा सा मुझे कच्ची लगती है। तो मुझे और सौरभ हम दोनों को ही ऐसे मतलब थोड़ा सा सोते करके उसमें थोड़ा और हल्का सा मसाले डाल के जब हम सोते करते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं अभी वही करने के लिए जा रही हूं। तो मैं अभी पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने साथ में अपने दो भिगोने भी चढ़ाए हैं क्योंकि एक भिगोने में मैं नूडल्स गरम करने वाली हूँ और एक में मैं टमाटो और रेड चिली बॉईल करूँगी चटनी के लिए मोमोज की। और इसमें मैं अभी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। और फ्लेम को मैं हाई रख रही हूँ, अगर कम गैस पे पकाऊंगी तो ये पानी छोड़ देंगी तो फिर फिल करने में टफ होगा। तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और ये पानी में मैंने डाल दिए हैं टमेटोज और रेड चिली। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा केचप, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बहुत थोड़ा सा सोया सॉस। मैं यहाँ पे डार्क सोया सॉस यूज कर रही हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये मेरा अच्छे से मतलब थोड़ा रोस्ट हो गया है तो मैं अभी फ्लेम को ऑफ करूंगी और तब तक मैं लगाऊंगी अपने ओट का डो। तो ये मैंने ओट्स को ग्राइंड कर लिया है, तो मैं इसमें ओट ले रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा प्लेन फ्लावर क्योंकि इसके बिना बाइंडिंग नहीं होगी, तो थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए चाहिए। और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। आटा मेरा लग गया है, अभी मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के रखूंगी।
जब तक मेरा मोमोज का आटा रेस्ट करेगा और फिलिंग थोड़ा और ठंडी होगी तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ चटनी की, क्योंकि फिर इसको भी ठंडा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार बनेगी फिर इसको भी हम ग्राइंड करेंगे, तो मैं वही अभी बना रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ अनियन। टोमेटोज को मैंने पील कर लिया था तो वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। अभी सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाल रही हूँ सोया सॉस। मेरे टोमेटोज उतने खट्टे नहीं है तो थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं गैस को बंद कर रही हूँ तो इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी और तब तक मैं अपने मोमोज फिल करूँगी। तो अभी सब मोमोज रेडी हो गए हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि हल्के हल्के से फट गए हैं, क्योंकि ओट का आटा है इसलिए। अगर ये प्योर मैदा के होते तो ऐसे नहीं फटते, बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें इसको स्टीम ही करना है तो ये जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आएगी। तो स्टीम करने के लिए मैंने अपना इडली कुकर यूज़ किया है, तो इसके लिए मैंने इडली कुकर में पानी डाला है और अभी मैं इनको स्टीम करूंगी। तो ये ऐसे वेजिटेबल्स को स्टीम करने के लिए बास्केट होती है, तो ऐसे मतलब बंद भी हो जाती है, और इसको मैंने अभी ग्रीस किया है और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी और इसमें मैं फिर अपने मोमोज को बेक स्टीम करूंगी। मैं ऐड करूंगी बहुत थोड़ी सी शुगर, क्योंकि शुगर से इसका टेस्ट अच्छा आएगा, ज्यादा नहीं। इसमें आप स्पाइसी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें और रेड चिलीज ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ज्यादा नहीं की क्योंकि सौरभ उतना ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो फाइनली चटनी भी रेडी हो गई है और अभी मोमोज का हाल देखना है क्या है। अभी थोड़ा सा और सिकना है मोमोज को, तो जब तक मेरे मोमोज सिक रहे हैं तो मैं नूडल्स भी बना रही हूँ। और वैसे तो मैंने नूडल्स को मतलब नूडल्स की रेसिपी अपने चैनल पे बहुत बार शेयर की है, लेकिन जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं उनके लिए एक क्विक शेयर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस जल्दी से बता देती हूँ। तो नूडल्स बनाने के लिए मैं सेसमे ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नूडल्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है चाइनीज फूड में वो होता है सेसमे सीड ऑयल। तो अगर कोई चीज़ बनानी है तो फिर वो ऑथेंटिक तरीके से ही बनाए, तो इसीलिए मैंने सेसमे सीड ऑयल ही ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली ऑथेंटिक वे होता है चाइनीज का वो सेसमे ऑयल ही होता है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक, जिंजर, अभी मैं ऐड कर रही हूं इसमें अनियन और ग्रीन चिली। तो अनियन भी फ्राई हो गया, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी वेजिटेबल्स। तो इसके लिए मैं ले रही हूं कैरेट, मिक्स कैप्सिकम, और यहां पे मैंने लिया है मशरूम और कैबेज, और ये थोड़ा सा मसाला बच गया था मोमोज का तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। चाइनीज़ फूड में याद रहे कि जो वेजिटेबल्स हैं वो फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए,
क्योंकि तभी वो हाई फ्लेम पे पकेंगी। अगर आप हाई फ्लेम पे मोटी मोटी वेजिटेबल्स को पकाएंगे तो वो जल भी जाएंगी और कुक होने में भी बहुत टाइम लेंगी। तो वेजिटेबल्स मेरी कुक्ड हो गई हैं, तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ अपनी सॉस। तो इसमें मैं डाल रही हूँ स्वीट चिली, थोड़ा सा केचप, थोड़ा चिली, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा विनेगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, तो अभी सौरभ भी आ गए हैं तो देखते हैं क्या बोलते हैं आज। अरे मैंने डोर को एक्सेस नहीं दिया और मैंने डायरेक्टली डोर ओपन कर दिया। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है क्या? क्या किया ये? अच्छा नहीं लगा क्या? क्या किया ये आते ही, क्या किया ये? अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है। पापा अमित, मोमोज बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप एक बार ये ओट के मोमोज को जरूर ट्राई करना, रियली टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और पता नहीं चल रहा ना ओट का है? नहीं, तुम्हें कुछ लग रहा है क्या? टेस्ट डिफरेंट लग रहा है क्या? नहीं, कलर डिफरेंट लग रहा है। कलर डिफरेंट है लेकिन उतना टेस्ट में मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो बेसिकली हेल्दी मोमोज। तो अभी किचन का तो सब काम हो गया है, किचन भी क्लीन हो गई है। तो मैं अभी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए और फेस वॉश करूँगी। तो अभी सब काम फिनिश हो गया है, किचन का भी और जो मेरा नाइट रूटीन था वो सब फिनिश हो गया है। अनवित का भी नाइट रूटीन कंप्लीट हो गया है, तो बस मैं अभी अनवित को ही सुलाने के लिए जाऊंगी। हाँ पापा। और आज ही सोच रही हूँ कि वीडियो भी एडिट करूंगी क्योंकि कल वीडियो पोस्ट करूंगी। तो बस यही था मेरा आज का डिनर रूटीन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज प्लीज इसको लाइक करना तो बिल्कुल भूलना नहीं है। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।